आवाज आ रही है? आ रही। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसमें जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुजरात के भाई बंधु माताएं बहनें शामिल हो रही हैं उनको भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हम आपके बीच आए हैं। गुजरात में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात नहीं आ रही है, गुजरात नहीं आ रही है उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो हमारा भूगोल है देश का उसके हिसाब से हम लोग दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं। यात्रा या तो पूरब से पश्चिम हो या पश्चिम से पूरब हो, तभी गुजरात उसके रास्ते में आएगा। और इसी बीच आपके यहाँ चुनाव की भी घोषणा हो गई है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की भावना गुजरात के लोगों के साथ है, और आप इस निर्णायक समय में बिल्कुल अपने आप को अकेले ना समझें। जैसे आप लोग चुनाव देख रहे हैं, गुजरात के अंदर पार्टी के काम को देख रहे हैं, वैसे ही हम लोग भारत जोड़ो यात्रा के काम में लगे हुए हैं। आज हमारी यात्रा का विराम दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि छुट्टी के दिन भी उसका इस्तेमाल हो। और हम आपके बीच आए हैं तो एक गुजारिश लेकर के आए हैं, एक अपील लेकर के आए हैं। गुजरात का चुनाव इस देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है। कहते हैं कि गुजरात में जो फैसला लिया जाएगा उसका असर पूरे देश की राजनीति पर होगा। जब पूरे देश की राजनीति पर इसका असर होना है तो हम युवाओं की तरफ से आपके बीच में अपील करने आए हैं कि जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आप याद रखिएगा कि देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। आप याद रखिएगा कि रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर चला गया है। आप याद रखिएगा लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आप याद रखिएगा कि जब कोरोना हुआ तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को अस्पताल नहीं मिला। आप याद रखिएगा कि सपना दिखाया गया, आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सपना आ रहा है। दिन दहाड़े जो है सपना दिखाया गया कि जब देश में सरकार बनेगी बीजेपी की तो सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, सबका साथ सबका विकास किया जाएगा। हकीकत यह है कि अभी हंगर इंडेक्स जारी हुआ है और भुखमरी में हम छोटे छोटे देश बांग्लादेश नेपाल उनसे भी ज्यादा नीचे चले गए हैं। वादा किया गया बहुत सारा, मैं उन वादों को अगर गिनाने लगूं तो शायद एक महीना भाषण देना पड़ेगा, 5-10 मिनट में उसको नहीं खत्म किया जा सकता है। तो आप ही वो लोग हैं जो लोग चुने प्रधानमंत्री मोदी जी को। आपने पहले उनको यहां का मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। हमको ये लगता है कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं गुजरात उनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोगों ने देखा कि एक दर्दनाक घटना घटी, मैं उस पर राजनीति नहीं कर रहा, मैं बस आपका ध्यान दिला रहा हूं। एक दर्दनाक घटना घटी मोरबी में, हम सब अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको। उस घटना के वक्त वो थे लेकिन वो गए नहीं, इंतजार किए थोड़ा फोटो शूट के हिसाब से सब तैयारी हो जाए उसके बाद जाया जाए। और आप देख रहे हैं कि बार बार ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का चेहरा कौन है। बीजेपी पहले ये बता दे कि उसका चेहरा कौन है। 5 साल के लिए कोई एक चेहरा रहेगा कि नहीं रहेगा? आनंदीबेन पटेल जी, उसके बाद जो है विजय रूपानी जी, और उसके बाद जो है
उपेंद्र पटेल साहब, वो वीडियो में देख रहा था, पीछे में बैठे हुए थे और ऊंघ रहे थे। आप भी जाकर के यूट्यूब पे चाहे तो वीडियो निकाल सकते हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया गया उस समय उनको हल्की हल्की झपकी आ रही थी, तो बगल का आदमी उनको बताया कि भाई तुम मुख्यमंत्री हो गए हो। लोकतंत्र की ऐसी हालत। तो आप बताए पूछे बीजेपी से कि आप जो चेहरा दे रहे हैं ये चेहरा 5 साल रहेगा ना, कि फिर से इसको बलि का बकरा बनाया जाएगा, फिर से जो है नई बोतल में पुरानी शराब परोसी जाएगी। सिस्टम वही है, लोग वही हैं, सबको पता है कि असली पावर किसके पास है। अरे जया शाह के पप्पा के हाथ में असली पावर है, सबको पता है। तो मैं बस आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, 27 साल से जो है कांग्रेस पावर में नहीं है। जो सारे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए थे आप बता दीजिए वो सब कुछ ठीक हो गया? भ्रष्टाचार रुक गया? ऑफिस में घूस नहीं देना पड़ रहा है क्या? इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टरी पढ़ने के बाद, MBA करने के बाद आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है क्या? किसानों को उनके फसल का दाम मिल रहा है क्या? व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही है? कौन सी ऐसी चीज हो गई 27 साल में जिसके लिए आपने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया? और आज जब कांग्रेस फिर आ सकती है तो कंफ्यूज किया जा रहा है। साहब नदी पार करते हुए अगर दुविधा हो ना मन में तो तैराक भी डूब जाता है। पिछली बार सरकार बनाते बनाते रह गए। या तो आप तय कर लीजिए कि हम बीजेपी से खुश हैं, 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद के हम खुश हैं, देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हम खुश हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है आप खुश हैं, अगर ऐसी बात है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इससे परेशान हैं तो कंफ्यूज मत होइए। एक मजबूत विकल्प है कांग्रेस पार्टी आपके सामने। और खास करके मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि बार बार आपको निराशा में डाला जाएगा, बार बार आपको कहा जाएगा कि नहीं नहीं कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस कहां से दिखाई देगी? जो टीवी मीडिया का मालिक है उसको हम खुले आम मंच से खड़ा होकर के चोर कह रहे हैं तो मीडिया हमको दिखाएगा? कांग्रेस को अगर देखना है तो इस वजूद को आकर के देखे कि जहां आकर के हम बात कर रहे हैं उसको जो है सरदार पटेल ने जो है उसका उद्घाटन किया है। ये जो इतिहास है उस इतिहास की गारंटी के साथ आप बात कीजिए कि जैसे हम अंग्रेजों से लड़ करके आजादी दिलाए, जैसे हमने पंचवर्षीय योजना लागू की, जैसे हमने IIT IIM इसरो की स्थापना की, जैसे हमने प्रिवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जैसे फंडामेंटल राइट में हमने जो है बदलाव किए, जिस तरीके से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान का अंग बनाया, जिस तरीके से मनरेगा को लागू किया, सूचना के अधिकार को लागू किया, राइट टू एजुकेशन को लागू किया, उसी तरीके से अगर कांग्रेस के इस काम को देख करके, उस भरोसे को देख करके, इस पार्टी का कमान महात्मा गांधी के हाथ में था, उस गांधी के हाथ में जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे, उस भरोसे के साथ अगर आप हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम भी वो तमाम वादों को पूरा करेंगे, उस 8 वचन को पूरा करेंगे जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आज इस चुनाव में उतरी है। हम भी ये वादा करते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसानों को उनका कर्जा माफ होगा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगी, इस देश यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको 10 लाख तक का इलाज मिलेगा, यहाँ जो कोरोना में अपनी जान गंवा दी है उनको 4 लाख का मुआवजा। ये जो 8 वचन है इस 8 वचन को हम पूरा करेंगे। इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका इतिहास इस देश में अंग्रेजों को हराने का इतिहास है और यह जो काला शासन है उसको भी आप ही हरा सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ आप मैदान में उतरिए और नौजवानों की तरफ से हम बस यही अपील करने के लिए आए हैं कि आप जो फैसला लीजिएगा आने वाले समय में देश उसका अनुसरण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अपने ये गाड़ी बजा भाइयों उभा छे અને આપણને જે કનૈયા કુમારે જે આપણને ઉદબોધન કર્યું છે આપણે બરાબર મગજમાં રાખીએ અને આ વખતે મક્કમ નિર્ધાર રાખીએ એમના આ શબ્દોને આપણે સાકાર કરીએ એવું આપણે સંકલ્પ લઈશું બધા
हाथ ऊपर राखी ने संकल्प लिए के कन्हैया कुमार तमे जे आजे कालोल ने संबोधन करू छे कालोल नी जनता भणेली गणेली छे अने आ जनता आ वखते फरीथी कांग्रेस ने सौथी वधारे मत मळे एवी एक अभ्यर्थना हवे भाई श्री नीरव ने विनंती के आभार विधि करे सॉरी एक बे मिनिट मारी हूँ माफी मांगू मारा वडी लेवा પ્રભાત સિંહ ને પણ ઉદબોધન 2 મિનિટ કરવા વિનંતી નેતા યુવાનો ઉપર આજ સુધી તમે મારી સાથે રહ્યા આજે પણ મારી સાથે રહેવાની છે હું ભાજપ છોડી અને કોંગ્રેસ આવ્યું છે તે કોંગ્રેસ સાથે આપણે બધા રહેવાનું છે પણ 25 વર્ષનું શાસન તમે જોયું છે હવે જે ચૂંટણી આવે છે એમો એનાથી મોટું રીડ આપશું ને તો મારું નામ રહેશે સાહેબ તો પછી ચૂંટણીમાં છે હું કાયો આપણે આટલું કામ કરવાનું છે ચૂંટણીમાં એવી લીડ આપીએ કે મધ્યમ વિરામ પછી કાવન પરથી મોટા મોટી મળી એ કામ આપણે કરવાનું છે નમસ્કાર કોણ કોણ પંજાવાલે થી ભાઈ શ્રી નીરવ વિનંતી કે જરા આભાર વિધિ કરી દે આજ રોજ પરિવર્તન યાત્રામાં ઉપસ્થિત માનસત મહાનુભાવો કાલોલ તાલુકામાંથી પધારેલ સૌ યુવાનો ભાઈઓ માતાઓ બહેનો આપ સર્વે ટૂંકા સંદેશમાં આ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર આ પ્રોગ્રામને